स्कीक्राफ्ट लाइव स्ट्रीम नवंबर चार्ट आपके सामने आ चुका है, और अगर आपको इसके और भी ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, हमारी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना मत भूलना। तो जिनकी भी आपको लाइव स्ट्रीम पसंद है स्कीक्राफ्ट पे, आप उनकी लाइव स्ट्रीम कैच कर सकते हैं। तो गाइज, मैं और बलदीप कुछ 3 दिनों से बार बार एक्सप्लोरेशन पे निकलते हैं बहुत सारे स्टैक्स ऑफ रॉकेट लेके, और अभी हम करीबन 13 से 14 किलोमीटर दूर हैं अपने घर से, एंड वी हैव फाउंड द मोस्ट रेयरेस्ट बायोम ऑफ ऑल टाइम, मतलब लॉन्ग बर्च ट्रीज के अलावा आइस स्पाइक बायोम। मुझे पता भी नहीं था कि हमारे सीड में आइस स्पाइक बायोम है भी। मैंने देखा यहाँ पे ये विलेज विलेज मैंने ऐसे कैसे नहीं देखा यार, ये रहा। तो गाइस, हम एक्सप्लोरेशन से वापस आ चुके हैं बीपी, और मैंने बहुत सारी चीजें लूटी, मतलब वी आर लाइक पायरेट्स ऑफ द स्कीक्राफ्ट। एंड अब मेरा जो प्लान है, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि अगले एपिसोड में मैं अपने मेगा बेस पे काम करूंगा, और हाँ, अब मैं अपने मेगा बेस पे काम करना शुरू करूंगा। और अपने मेगा बेस में सबसे पहली चीज़ जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ बनाने की, वो है एक स्टोरेज सिस्टम। यू सी कि मेरे पास स्टोरेज की जो है ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अब मैं मतलब रन आउट हो रहा हूँ अपने चेस्ट से, अपने शल्कर से, सारी चीज़ें मेरी फुल टू द ब्रिम होती जा रही हैं। तो अब मेरे को एक स्टोरेज सिस्टम चाहिए, और स्टोरेज सिस्टम रखने के लिए मैंने कहा बेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और उसमें मैं कुछ खास चीज़ें सोच रहा हूँ जो कि गोल्ड रिक्वायर करती हैं, जैसे कि माइनकार्ट, पावर ड्रिल्स वगैरह, तो उसमें गोल्ड चाहिए होता है। तो मैं बीपी से बात करता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि उसके पास बहुत भर भर के गोल्ड है। आई मीन वो बंदा अपने पास गोल्ड ओर भी रखता है, नेदर गोल्ड ओर से लेके नॉर्मल ओवरवर्ल्ड गोल्ड, नगेट से लेके ब्लॉक्स तक हर चीज उस पे है। तो चलते हैं बीपी ज्वेलरी शॉप पे और बात करते हैं उसे। एक्चुअली अभी उसकी कोई ज्वेलरी शॉप नहीं है, आई थिंक ये एक अच्छा आइडिया है। बीपी अगर वीडियो देख रहा है तो प्लीज ओके, मिलते हैं बीपी सिंह से। बीपी सिंह ओ ओ माय गॉड, तू कहां से स्पॉन हुआ? ओ भाई, तूने अभी लॉगिन किया क्या? नहीं। ओ शिट, एक मिनट, वॉन्डरिंग ट्रेडर है यहाँ पे, क्या है आपके पास, कौन से ब्लॉक्स है? स्प्रूस, एकेशिया? पेल दे। तो बलदीप, मैं तेरे पास एक प्रपोजल से आया हूँ। बेल देख रहा है तू? हाँ देख रहा हूँ। इस बेल को बनाने के लिए एक बहुत ही मस्त इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, और मे बी वो देखने पे पता भी लग रहा होगा कि क्या चीज चाहिए होती है। Are you talking about guys, ये देखो, ये अमीर आदमी। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। आई नीड अबाउट अ स्टैक ऑफ गोल्ड ब्लॉक्स। मेरा पूरा फार्म, हाँ वेट, मेरा पूरा प्लान है गोल्ड फार्म बनाने का, लेकिन अभी मैं अपने बेस पे फोकस करना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं माइंड पे भी काम कर रहा हूँ, वहाँ अपना बेस पे भी काम कर रहा हूँ, जो भी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, और ये अपने नया प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों पे एक साथ लग जाऊँ, और लोगों के लिए मुश्किल हो जाए कीप अप करना। तो मैं अभी गोल्ड फार्म कैंसिल कर रहा हूँ थोड़े, मतलब डिले कर रहा हूँ, कैंसिल नहीं, डिले कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए। जैसे कि मैं 24 गोल्ड और के एक डायमंड, ओ गोल्ड और बोल रहा हूँ सॉरी, 24 ओल्ड ब्लॉक्स, गोल्ड ब्लॉक्स के मैं तो से एक डायमंड ब्लॉक लूंगा, ठीक है, उस हिसाब से लगा ले। 24 24 48 48 24 कितने हुए? दिस इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। 24 और 24 is 48। ओके, डू यू हैव 72 गोल्ड ब्लॉक्स? एक्चुअली आई कैन मेक, मेरे पास अभी, अरे हाँ, तेरे पास गोल्ड ओर है, तो तेरे गोल्ड भी है ना मेरे पास, ओर को पिघला के गोल्ड ब्लॉक बना सकता है। तेरे पास अभी 68 है, हाँ। चार ही गोल्ड ब्लॉक बनाने तेरे को, हाँ चार, मतलब 4 9s 20 4 9s, हाँ 36 गोल्ड इंगट चाहिए मुझे उसके लिए, तो है मेरे पास। चल तुझे मिल जाएंगे तीन, तुझे मिल जाएंगे 72 मिल जाएंगे। ओके, तो मैं प्रिपेयर करूँ अपने 3 डायमंड ब्लॉक?
ओके तो मेरे को इसी स्पॉट पे मिलियो जब तेरा गोल्ड रेडी हो जाए। बीपी कहाँ है? ओ ओ तूने इसका मामला तोड़ दिया क्या? यहाँ पे स्लैम ब्लॉक लगा तूने, तोड़ दिया उसे। ओके ओ यार डू यू हैव द गोल्ड रेडी? यस देन शो मी, कम हियर। 64 and 8 ओके मैंने उठा लिए हैं एंड और ये ले एज अ ग्रेटिट्यूड टू मो। ओ थैंक्स एंड माय पेमेंट इधर ही रख दे। ओके तो हमने डील कर लिया तो अब थोड़ा सा सेलिब्रेशन तो बनता ही है। लेट्स डू अ बिट सेलिब्रेशन। मेरे पास ये फ्लावर है। ओ माय। अच्छा हाँ बलदीप मेरे पास एक और तेरे लिए सरप्राइज है, ऑफ कैमरा सरप्राइज है। एक डायमंड ब्लॉक दियो जरा। ओके अब तू बस जादू देख। डायमंड को तो क्या बदल दिया, डायमंड को, डायमंड ब्लॉक को। ओ ओके ओ ओके ये सही है। नाइस डील पार्टनर्स। ये चल मैं इसका ब्लॉक बना सकता हूँ। वैसे अब मेरे पास 9 डायमंड्स हो गए हैं तो मैं ब्लॉक एक और बना सकता हूँ सीधा। नाइस अब मैं अपनी जो पिकेक्स है वो वाली क्या कहते हैं बैकअप पिकेक्स, उसे भी नेदरराइट में बदलूंगा। तेरे पास कैसे आई नेदर? तेरे पे और था ऑफ कैमरा में मैंने माइनिंग करी थी एंड मुझे बिना बताए अरे सरप्राइज देना था। मैंने कहा तेरी वो नेदरराइट इनगट खो गई है तो मैं समझ रहा है। अच्छा ओके 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 यस हेलो। तो हमें क्रिएटिव लड़का ने बुलाया था, उन्होंने उनको रेडस्टोन चाहिए तो ओ ये रहा क्रिएटिव। तो मैंने तेरे को इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे को रेडस्टोन चाहिए ब्रो। इधर देख ओके ये रेड बॉक्स है, इसमें रेडस्टोन है मेरा। दिस इज ऑल द रेडस्टोन दैट आई ओन राइट नाउ। इट्स एम्बैरेसिंग राइट? यस बट मेरा इससे भी कम है। कोई नहीं यस यस ओके ये है। और आपके पास फॉर्चून पिकैक्स है? यस है। दीजिए मैं कर लूंगा, आप और डाल दीजिए। सॉरी ये लीजिए। ओह दैट्स वेल दैट्स प्रीटी मच इट, मेरे को इतना ही चाहिए था। एंड आई विल मे बी ये लीजिए आपकी पेमेंट। पेमेंट लेफ्ट कॉर्नर में। सच में आप एंशिएंट डेब्री दे रहे हो मुझे? यस यस टेक इट। आई गेस थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम मैन नो प्रॉब्लम, मेरे को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आई गेस नाउ यू कैन लीव बिकॉज़ जैसे मेरे कारण तो हमारी जिंदगी चलती है। हाँ अरे उसके पास पता नहीं ओके आपके 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 ओर्स मेरे को बहुत ज्यादा फल गए क्योंकि ऑलमोस्ट 7 स्टैक मिल गए मेरे को रेडस्टोन डस्ट। सीरियसली? हाँ इधर देख इधर। ओके तो ये है समोसे का बॉक्स, तो मैं समोसे से ये सारा रेडस्टोन ले रहा हूँ और मैं यहाँ डायमंड छोड़ रहा हूँ। आई होप ही वुड नॉट माइंड। अगर और चाहिए होंगे तो मैं उसे और डायमंड देने को तैयार हूँ, फिलहाल इतना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। तो गाइस जस्ट अभी मैं मार्किंग करके आया हूँ हमारे गेमिंग एरिया की, जो कि हमारे शॉपिंग एरिया से थोड़ा आगे होगा। तो ये मॉडल टाउन है और ये गेमिंग एरिया है। तो गेमिंग एरिया के लिए अगर आपके पास कोई नाम है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना और हम देखेंगे कि अगर हमें पसंद आता है तो हम गेमिंग एरिया को कोई नाम देंगे। खैर ये जो येलो डॉट्स आप देख रहे हैं यानी येलो वूल, ये है प्लॉट। तो यहाँ से लेके वहाँ तक, फिर वहाँ से लेके यहाँ तक, इतना एक प्लॉट है। फिर यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे एक यहाँ एक प्लॉट है, फिर यहाँ से ऐसे ही बहुत सारे प्लॉट हैं। और जैसे यहाँ का मेन हब होगा ये, एंड ये येलो एंड ब्लैक जो मार्किंग्स हैं ये है बॉर्डर मॉडल टाउन से गेमिंग एरिया का। और इससे पता लगेगा कि यहाँ से आगे हमें ये रेड वाली रोड कंटिन्यू नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें
मतलब मैंने अभी लगाई हैं, और ये नेदर पोर्टल मैंने लगाया है, नेदर पोर्टल मैंने लिंक अप किया है उससे जो अपना नेदर है, एंड काफ़ी बड़ा बनाया मैंने इसे। तो ये 71 लेवल है यानी कि हमारी रोड लेवल, और ये है 72 पे, तो इसके ऊपर एक पेडेस्टल टाइप बनाना पड़ेगा जिससे हम चढ़ सकें। खैर, मेरे को मेन काम था मेरा बेस बनाना आज, एंड टू बी ऑनेस्ट रियल लाइफ में अभी रात होने वाली है, रात हो चुकी है, 9 बजने वाले हैं, यानी कि मैं ज़्यादा देर नहीं खेल पाऊँगा। तो अब मैं आपको अपने मेगा बेस के प्लान्स बताता हूँ। तो आई थिंक ये थोड़ा सही एरिया है यहाँ पे बात करने के लिए। ओह, क्लिक फ्लिक्स हमारा नेबर होगा, नाइस। तो ये जो एरिया है, मैंने पहले सोचा था स्वॉम्प पे बनाऊँगा, क्योंकि स्वॉम्प में मेरे को एक बड़ा सा मॉब फार्म चाहिए था, तो स्वॉम्प में बढ़िया स्पॉन रेट होता है। तो मैंने प्लान चेंज कर दिया, अब मैं पानी पे बनाऊंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं लाइक कि मैंने कुछ भी बना दिया स्ट्रक्चर पानी पे और वो पानी पे खड़ा है, नहीं। पहले मैं एक फेक आइलैंड बनाऊंगा इस पे, मे बी पूरा सर्कुलर आइलैंड, एंड वो काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा, और बाकी जो उसके ऊपर बेस होगा वो मैं एक काफ़ी स्पेशल शेप सोच रहा हूँ बनाने की। तो देखते हैं कि हम कैसा कर पाते हैं। खैर, अभी हमें बनाना है एक सर्कल आइलैंड, तो लेट्स सी। और यहाँ पे मैं अपना सामान रख देता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा घर अब ये होने वाला है जब तक हमारा आइलैंड और एरिया नहीं बन जाता है। रात हो गई है, निन्नी करने का टाइम, और अगले दिन। सो आई एम बैक गाइज, बलदीप और मैंने मिलके यहाँ माइन में, आई नो ये एपिसोड काफ़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैंने और बलदीप ने मिलके ये बड़ा सा स्टोरेज सिस्टम बनाया है हमारी माइन के लिए। तो मैं क्विकली इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा ईजी भी नहीं है, लेकिन मैं समझाता हूँ। ये है एक स्टोरेज साइलो, तो इसमें अभी भी ये कचरा भरा पड़ा है, ज़रा इसे सफाई की ज़रूरत है। तो जब भी ये स्टोरेज साइलो फुल होगा, ये नीचे वाली चेस्ट पूरी फुल होगी, ये चेस्ट मतलब नीचे वाली चेस्ट जब भी फुल होगी तो ये लैम्प जलेगा, ये फुल होगी ये लैम्प जलेगा, तो ऐसे सो ऑन सो ऑन। तो ये सब यहाँ पे आएंगे शल्कर बॉक्सेस, जो कि पैक होंगे पूरे फुल टू द ब्रेम विद स्टोन एंड माइनिंग कंपोनेंट्स। और जो एक्स्ट्रा शल्कर बॉक्सेस है, मतलब पहले क्या होगा कि पहले शल्कर बॉक्स जो है इसमें आएंगे, इसमें 9 का स्पेस है और ऊपर 5 हॉपर का, तो लगा लो 5 और 9 14, तो 14 शल्कर बॉक्सेस यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। तो एक यहाँ पे शल्कर बॉक्स आएगा मान लो कुछ इस तरीके से, फिर उसके बाद आपको आप इसे ब्रेक करोगे तो दूसरा शल्कर बॉक्स आ जाएगा, तो ऐसे ही सोन सोन। और फिर जब 14 शल्कर बॉक्स यहाँ स्टोर हो जाएंगे तो उसके आगे के शल्कर बॉक्स यहाँ आने लगेंगे। और अगर इसमें कोई गलती से कचरा चले जाता है, जैसे कि मान लो रॉटन फ्लैश या कुछ, तो डिस्पेंसर यहाँ पे फेंक देगा और वो इस चेस्ट में आ जाएगा। जैसे कि वेट, ये मेरे फिल्टर है, ओ बलदीप ने शायद डाल दिए होंगे। और फिर ये है एक स्टोरेज सिस्टम जो कि शल्कर बॉक्सेस को नहीं पकड़ेगा, जैसे कि मान लो आप छोटे माइनिंग सेशन पे गए हो तो ऑब्वियसली आपको शल्कर बॉक्स में पैक नहीं चाहिए चीज़ें, या फिर आपका मन ही नहीं है कि मेरे को नई शल्कर बॉक्स में नहीं चाहिए, मेरे को बस यहाँ स्टोरेज भरनी है, तो यहाँ पे पूरे स्टोरेज में भर जाएगा। जैसे कि यहाँ स्टोन भरेगा, ये 4 स्लॉट स्टोन के लिए, ये स्मूथ स्टोन के लिए, जैसे कि अगर आपका मान लो फर्नेस में स्मूथ स्टोन आपने बनने के लिए रखा था और फिर आप भूल गए तो वो यहाँ पे आके डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद आती है ये बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग का भी एक फंक्शन है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो नीचे का तो कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है, लेकिन ऊपर ये जो है ये हमारा मेन इनपुट है पूरे स्टोरेज सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे शल्कर नहीं सॉरी यहाँ पे आके जैसे कि माइन कार्ट जो है वो यहाँ नीचे से लोड होके आएगी ऊपर, और फिर यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर ट्रैवल करेगी, और फिर उस अगर यहाँ से देखे उस हॉपर के अंदर, मतलब हॉपर के ऊपर रुकेगी जब तक वो खाली नहीं हो जाती। तो ये है एक माइनकार्ट अनलोडर। आई थिंक ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये वन वाइड नहीं कर पाया मैं क्योंकि पीछे और स्पेस नहीं थी,
मुझे एक ब्लॉक की और स्पेस चाहिए थी, लेकिन दिस शुड बी ऑल। तो अब मुझे इसे टेस्ट करना है एक माइन कार्ट विद चेस्ट के साथ, क्योंकि दैट इज द थिंग विच स्टोर्स मोर आइटम। तो ये रही हमारी माइन कार्ट विद चेस्ट, इसमें हम डालेंगे तीन एंडरसाइट, तीन स्टोन, तीन एंडरसाइट एंड तीन स्मूथ स्टोन, एक कॉबल और एक स्पाइडर आई। वेट, मैंने कॉबल उसमें से निकाला नहीं क्या पूरा? मैंने अभी अभी एक चीज रियलाइज करी कि ये जो डिटेक्टर रेल है, इस पे अगर माइनकार्ट रहेगी तो हो सकता है इस हॉपर को वो लॉक कर दे और सिर्फ इसी हॉपर पे फिर सारा लोड पड़ेगा। आई डोंट नो ये काम करेगा या नहीं। ओह, बट करना चाहिए इसे काम। आई मीन नॉट सो बैड, बट अब मैंने सारे कॉबल स्टोन निकाल लिए हैं। लेट्स टेस्ट। ओके, सामान जा रहा है और जैसे ही उसने सारा सामान छोड़ दिया तो वो वापस आ गई। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यस, एंडेसाइट यहाँ एंड कॉबल यहाँ एंड लैपिस लाजुली। वेयर डिड लैपिस लाजुली गो? वेयर डिड इट गो? ओके, हमारे पास लैपिस लाजुली का शायद सिर्फ एक ही ब्लॉक, मैंने लैपिस लाजुली डाली ही नहीं। वाओ, वेल प्लेड क्रिएटिव। और स्पाइडर आए, यस यस, ये है हमारा इनपुट। तो अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये इनपुट चेस्ट इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम जो भी चीज डालेंगे वो शल्कर बॉक्स में पैक होनी चाहिए। एंड और मेरे को एक और सिस्टम लगाना है जो कि शल्कर बॉक्स पैकर को ऑफ कर दें और वो डायरेक्ट आइटम्स को ऊपर ट्रांसफर करें, लाइक डायरेक्ट माइन कार्ट में। ओह माय गॉड, मैं भूल गया था ये प्लेस कितनी ज़्यादा ऑसम है। मैं एक बार इसे शेडर्स में देखना चाहता हूँ। और यहाँ पे ये आइस क्या कर रही है? क्या यहाँ पे ठंड है जो ये आइस जम रही है? व्हाट इज इट, पैक्ड आइस? ओ, ये बलदीप की फर्स्ट वॉकर वाली है और ये ग्लिच की वजह से यहाँ पे अटक गई थी। ओके, आरटीएक्स ऑन। वाओ 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 वाओ, लावा देखो, ये देखो, ये पानी के साथ लहर रहा है। ओ माय, दिस इज सो ब्यूटिफुल। हमारी माइन कैसी दिखती है? ओ यस, सो कूल। आई मीन RTX इज स्टिल बेटर, बट शेडर्स मैन। ओके, तो मैं इस डिजाइन के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि This is looking nice to me. I mean, it's a little bit on the bulk side, but I think this is the best solution. क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। First of all, यहाँ पे जब भी कोई आइटम आती है तो ये कंपेरेटर उसे डिटेक्ट करता है और एक पल्स एक्सटेंडर भेजता है यहाँ पे इस ऑब्जर्वर पे, और ये पल्स इतनी लंबी रहती है, जैसे अगर मान लो बीच बीच में कट ऑफ होकर आइटम आ रही है कि मान लो अभी एक आई फिर एक सेकंड बाद एक आई, तो उतने में ये बार बार फायर ना हो, इससे लैग बढ़ता है। तो ऑब्जर्वर लगाया मैंने यहाँ पे, तो और पल्स एक्सटेंडर, ताकि ये सिर्फ एक ही बार फायर हो। और उसके बाद यहाँ पे हनी ब्लॉक है, ताकि यहाँ पे अगर डायरेक्ट हॉपर होता तो वो शल्कर से सारी आइटम ले लेता, तो हनी ब्लॉक पे वो शल्कर खड़ा होता है। फिर उसके बाद शल्कर के अंदर से जितने भी चीज़ें हैं, लाइक अगर वो फुल है तभी इस कंपैरेटर में आउटपुट आएगा, क्योंकि यहाँ साइड में रेडस्टोन ब्लॉक है तो ये रेडस्टोन ब्लॉक से कंपेयर कर रहा है उसके सिग्नल को। तो जैसे ही फुल होता है तो यहाँ पे एक दो टिक पे रिपीटर है जो कि डिस्पेंसर को दोबारा पावर करता है दूसरा शल्कर रखने के लिए, ताकि अगली बार के लिए वो रेडी रहे। और फिर यहाँ पे ये जो रेडस्टोन लाइन है ये पावर होती है, एंड ये पिस्टन फायर करता है इस ऑब्जर्वर को, जो कि इस पिस्टन को फायर करता है जो शल्कर बॉक्स तोड़ देता है। तो
तो आई थिंक मैंने समझा दिया जितना मैं समझा सकता था। अभी मैंने इसमें शल्कर बॉक्स रख रखे है फुल टू द ब्रिम, बस उसमें थोड़े से अगर मैं आपको दिखाऊं बस उसमें कुछ ही स्टोन गायब है, जैसे कि 6 स्टोन गायब है इसमें से। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी आइटम डालता हूँ, मान लो माइनिंग की है, अब दिक्कत इसमें ये है कि लिमिटेशन है इसमें थोड़ी सी, कि 5 अगर तुमने डिफरेंट आइटम डाली हैं तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर छठी तुमने आइटम डाल दी, मान लो तुमने कॉबल डाल दिया, फिर एंडेसाइट डाल दिया, देखा आपने शल्कर बाहर आ गया, एंडेसाइट डाल दिया, डायराइट डाल दिया, ग्रेवल डाल दिया, ओके, तो ये सब यहाँ पे आ जाएगा, पूरा भरा हुआ है, बस 63 स्टोन है उसमें, 1 स्टोन रह गया जिसकी वजह से वो यहाँ रुका हुआ है। तो वो उस 1 स्टोन के लिए वो यहाँ पे सर्च करेगा, अगर यहाँ पे स्टोन नहीं हुआ, मान लो यहाँ पे कुछ और हुआ, तो ये सिस्टम फॉरएवर स्टक हो जाएगा जब तक आप एक बटन यूज़ नहीं करते कि शल्कर बॉक्स फंस गया है तो बटन दबा के उसे रिलीज़ कर दें, या फिर आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो अब मैंने यहाँ पे स्टोन डाल दिया, तो अब जैसे स्टोन फिल हो रहा है ये पिस्टन उसे तोड़ देता है, और यहाँ पे बिल्कुल फुल शल्कर बॉक्सेस आ रहे हैं। ओ माय गॉड, मैं सही में यहाँ पे सिर्फ, मैं तो यहाँ पे सिर्फ हनी ब्लॉक्स लेने आया था। व्हाट, ओ शिट, ओ नो, दिस इज अ बैड न्यूज गाइज। मुझे ये बताते हुए पता नहीं क्यों थोड़ी घबराहट सी हो रही है कि हमारा काम पूरा हो गया है। मुझे अभी भी ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। यहाँ पे हर चीज़ कंप्लीट है, यहाँ पे पल्स एक्सटेंडर सब सही है, हमारा लैंप डिटेक्टर, हमारा बटन सब तो ठीक लग रहा है मेरे को। क्यों मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कुछ गड़बड़ है, सब कुछ कंप्लीट है, हमारा आइटम एलिवेटर काम कर रहा है, तो आइटम्स यहाँ आने लगेंगे, गुड, बट फिर क्यों? आहा, तो टेस्टिंग भी पूरी कर ली मैंने, और जो भी सामान हम डाल रहे हैं वो सब आ रहा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने डर्ट और कोल निकाल लिया है। लेट्स पुट द डर्ट इन, ये चीज़ बहुत फास्ट है, कोल और एंड डर्ट, नाउ लेट्स वेट। ओके, हो गया माइनकार्ट निकलने के बाद, एंड यहाँ मैं भी निकला ऊपर माइनकार्ट। नो, मैंने गलती से उसे वापस भेज दिया, कोई नहीं वो वापस आ जाएगी, देखना अभी। एंड देयर शी कम बैक, एंड यस, अब आप देखेंगे कि पहले आएगा कोल आना शुरू हो गया है, और फिर डर्ट आएगी। नाइस। तो गाइस 11 तारीख को मैं और बीपी लाइव आएंगे, तो 1 घंटे के लिए पहले मैं लाइव आऊँगा, एक नहीं शायद 1.5 घंटे, और फिर उसके बाद बीपी लाइव आएगा, क्योंकि मेरे को उस टाइम बंद करनी होगी लाइव, फिर ये चालू करेगा, तो इससे हम दोनों का बैलेंस भी बना रहेगा और एंगेजमेंट भी ज़्यादा आएगा ऑडियंस का। तो प्लीज़ कैच आर लाइव स्ट्रीम एट 11 नवंबर, विच इज थर्सडे, वेडनेसडे आई गेस, यस। तो दोपहर के टाइम स्ट्रीम होगी, आपको उसके एक दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट से मैं बता दूंगा कि कब आना है, और या फिर आपको यार चार्ट दिख गया होगा, देख लो। ऑन टू माई मेगा बेस, मेरे मेगा बेस की प्रोग्रेशन अभी फिलहाल इस तरीके की दिखती है, और ये अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सर्कल मार्क किया है जो कि परफेक्ट सर्कल नहीं है, वहाँ से यहाँ कहीं से अलाइन नहीं हो रहा था जैसे कि वहाँ, तो ये हमें एक परफेक्ट सर्कल बनाना है माइनक्राफ्ट में, यस। एंड हमें यहाँ ऊपर तक बनाना है क्योंकि ये है लेवल 70, यस। तो लेवल 70 इसलिए क्योंकि सी लेवल है लेवल 60, तो आई थिंक 10 ब्लॉक ऊपर ठीक रहेगा, अगर मेरे को बेसमेंट भी चाहिए होगा तो 10 ब्लॉक नीचे तक ठीक ही है। एंड ये एक ऐसा सर्कल होगा जिसका एक मिड पॉइंट जो है वो
मतलब ये ऑड नंबर से बना हुआ है, ये 81 डायमीटर का सर्कल होगा, यानी कि इसके मिडल में एक पॉइंट होगा, ना कि ऐसे चार पॉइंट जो होते हैं नॉर्मली, तो वो मेरे को बेकार लगते हैं चार पॉइंट वाले, तो मैं एक पॉइंट वाला बनाता हूँ एंड लेट्स डू इट विद अ टाइम लैप्स। तो दैट वॉज अ ग्राइंड, और हमने यहाँ पे जो हमारा बेस का प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीट कर लिया है। आई मीन यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं किनारों पे, लाइक एक पेडेस्टल टाइप का, वो लगाना रहता है, लेकिन हमारा मेन जो एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है, लाइक मेन प्लेटफॉर्म। तो मेरे इस बेस का प्लान क्या है, तो ये चार होल आपने देखे होंगे कि मैंने खाली छोड़ दिए हैं, तो ये चार होने वाली हैं बिल्डिंग्स। तो इन चारों बिल्डिंग्स में मैं रखूँगा अलग अलग फार्म्स, जैसे कि यहाँ पे कैल फार्म, वहाँ पे कैक्टस फार्म, शुगर केन फार्म या कोई और फार्म, तो इस तरीके का। शुगर केन फार्म मेरे पास वैसे है बहुत बड़ा, पर अब वहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई रहेगा नहीं, तो मतलब मेरा शुगर केन फार्म शायद चालू रखने के लिए मेरे को बार बार वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो शायद मैं यहाँ पे एक बना लूँ, आई डोंट नो, बट वी विल सी। एक बात तो पक्की है कि कैक्टस फार्म ज़रूर आएगा, कैल्प फार्म ज़रूर आएगा, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट लोकेशन है। देखो यार कितना सही लग रहा है, सोचो यहाँ से एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है ऊपर की ओर, ये बड़ी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं होंगी, मुश्किल से शायद 10 ब्लॉक, और फिर यहाँ पे छोटी छोटी बिल्डिंग्स पॉप अप होंगी। एक मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको ये बेस कैसा होगा, यहाँ बिल्डिंग, वहाँ बिल्डिंग, वहाँ बिल्डिंग, वहाँ बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, और बीच में एक बड़ा सा टावर जिसके अंदर बीकन। तो बीकन का मेन स्पॉट होगा एकदम मिडल पॉइंट, तो ये है मिडल पॉइंट हमारे पूरे इस प्लेटफॉर्म का। ये 81 डायमीटर का प्लेटफॉर्म है, मैं 100 रखना चाहता था, बट लेट इट बी, क्योंकि इसी में मेरी हालत ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा ग्रास और डर्ट प्लेस करके। लेट्स सी कितनी ग्रास और डर्ट मैंने प्लेस करी है, 10,000 ग्रास ब्लॉक्स मैंने तोड़े हैं और 4,800 मैंने ग्रास ब्लॉक्स प्लेस किए हैं। लेट्स सी डर्ट, 911 डर्ट मैंने तोड़ी है, और यहाँ पे यूज्ड नहीं लिख के आ रहा कितनी बार मैंने लगाई है। और अब यहाँ पे रात हो गई है, तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइजली ये टॉर्चेस प्लेस करी हैं, तो सो दैट सो कि यहाँ पे कोई भी मॉब स्पॉन ना हो पाए। तो यहाँ पे अब एक भी मॉब स्पॉन नहीं हो सकता, वहाँ आप देख सकते हैं मॉब स्पॉन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी मॉब स्पॉन नहीं हो सकता। और ये काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड था, बहुत ज़्यादा था एक्चुअली, टॉर्चेस प्लेस करना भी एक आर्ट है। तो अब मैं आपको अपने बेस के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ में बताता हूँ। तो आपको पता होगा कि एक वॉल्केनो कैसा दिखता है, मैं वही फील चाहता हूँ कि मेरा बेस जो है एक मॉडर्नाइज्ड वॉल्केनो जैसा दिखे। तो जो साथ की बिल्डिंगें होंगी वो उसका माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगी, और बीच में जो टावर होगा वो होगा उसका इरप्शन चैम्बर, पता नहीं। तो इस बेस में मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहता हूँ जिससे मतलब मैं डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे डिसीजंस कोई और ले, और मेरे बेस से बढ़िया मेरे को कौन जानेगा। तो इसलिए मैं एक ऐसा बेस बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे चीज़ें डिसाइड करे, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मेरे से गुस्सा हो जाए, और
बेसिकली मैं जार्विस बनाना चाहता हूँ अपने बेस को, कि वो ऑटोमेटिक हो, मैं उससे क्वेश्चंस पूछ सकूँ, मैं अगर कोई गलत काम करता हूँ तो वो मेरे को एक टाइप से पनिशमेंट दे, और अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो वो मेरे को एक टाइप से रिवॉर्ड दे। तो बेसिकली मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, और इसे होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आई एम श्योर आई विल पुल इट ऑफ, क्योंकि मैं बहुत सारे चैलेंजेस लेने में आगे रहता हूँ। और हाल ही में मैंने जो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है, ये एकदम रेडस्टोन पे बेस्ड है। ये पूरा प्रोजेक्ट रेडस्टोन के बिना नहीं हो सकता, और इतना कॉम्प्लिकेटेड रेडस्टोन मैंने कभी नहीं किया जितना मैंने यहाँ किया है, टेस्टिंग वर्ल्ड में यहाँ किया है। अभी आपको बताऊंगा नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है मेरा बेस। तो आई एम प्रेटी मच टेरिफाइड एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम, यू गेट मी। तो आई थिंक ये एक चैलेंज होगा, मैं अपने टेस्टिंग वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहूँगा काफ़ी टाइम तक अपने बेस का रेडस्टोन डिज़ाइन करने में, लेकिन बिल्डिंग वगैरह हम कंटिन्यू कर सकते हैं। रेडस्टोन शायद सेकंड लास्ट डलेगा, और उसके बाद हमारा बेस जो है पूरा कंप्लीट होगा। और हाँ, मैं इसमें इरप्शन का वो भी रखना चाहता हूँ कि मेरा बेस इरप्ट भी हो, जैसे कि एक वॉल्केनो इरप्ट होता है, तो वो काफ़ी मज़ेदार रहेगा। तो आई फियर कि आज के लिए हमारे पास बस इतना ही टाइम है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइज लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, और चैनल को ज्वाइन करने से आपको मिलेगा मेरे चैनल के अर्ली एक्सेस वीडियोस, यानी कि ये वीडियो जो आप देख रहे हो अभी, अगर आप चैनल मेंबर नहीं हो तो ये वीडियो एक दिन पहले ही पोस्ट हो गई थी, लेकिन आपको अब दिख रही है क्योंकि आप चैनल मेंबर नहीं हो। तो ये एक फ़ायदा है चैनल मेंबर बनने का, और शाउट आउट वगैरह तो मिलते ही रहते हैं वीडियो में। एंड दैट्स इट फॉर मी टुडे, आई होप यू एंजॉयड, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।